الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارك کا ایک عظیم تحفہ قرآن عظیم ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی اللہ تعالی نے قرآن کریم کو اتارا اور وہ لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کب ہے اس کی تعیین میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ پورے سال میں کسی رات کو لیلۃ القدر بنایا جاتا ہے نمبر دو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے نمبر تین پہلے عشرے میں ہے نمبر چار دوسرے عشرے میں ہے نمبر پانچ تیسرے عشرے میں ہے نمبر چھ تیسرے عشرے کی تاقراتوں میں ہے نمبر سات ستائیسویں رات ہے جس کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گئے ہیں
इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उतारा। लफ्ज कुरान, कुरान करीम में 61 जगह आया है। प्लेसेस। कुरान के माना ही है पढ़ी जाने वाली किताब। मकरूउन के माना पढ़ी जाने वाली किताब। और मौजूदा दौर में गफलत का दौर है, उसके बावजूद दुनिया में जो आसमानी किताबें हैं उनमें सबसे ज्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है। कुरान करीम बड़ी अजीम दौलत। लौह महफूज से समाये दुनिया पर तो लैलतुल कद्र में उतारा गया कुरान। वहां से कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकद्र जरूरत, बवक्त जरूरत 23 सालों के अंदर उतरा है। ब्रज में आए या ना आए लेकिन उसके पढ़ने पर अजर है और सवाब। अलिफ लाम मीम, इसे हुरूफ मुकत्तात कहते हैं। लेकिन ये हुरूफ मुकत्तात का माना और हकीकी मीनिंग किसी को मालूम नहीं अल्लाह के अलावा। और बाद हजरात के कौल के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम। तो सरकार ने बतलाया क्यों नहीं, इसलिए कि मीम एक अर्थ है, उस पर मुस्तकिल दस ने किया। तो अलिफ लाम मीम का माना मालूम न होने के बावजूद 30 नेकियां तो अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर मिलती। बड़े खुशनसीब हैं वो हजरात जो कुरान करीम की तिलावत साल भर कर। कुरान करीम साल भर पढ़ना है। हदीस शरीफ में मजमून है, जिस दिल में कुरान करीम का कोई भी हिस्सा न हो वो दिल वैरान घर की तरह है। और एक रिवायत में फरमाया वो दिल बड़ा मुबारक है जिसके अंदर कुरान करीम बसा हुआ हो। अल्लाह ऐसे दिल को अजाब नहीं करेंगे और जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएंगे। इतनी बेहतरीन नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई। मौजूदा दौर में साइंटिस्ट कहते हैं कि कुरान करीम के हर लेटर के अंदर एक पावर है, एक लाइट है। ये जो लोग कहते हैं ना कि दम करने से क्या होगा, उसका जवाब साइंस वाले दे रहे। साइंस वाले कहते हैं कि
इन एवरी लेटर देयर इज अ लाइट, हर हर्फ के अंदर एक लाइट है, एक पावर है। जब हम किसी आलिम के पास जाते हैं, बीमारी जिक्र करते हैं, वो कुरान शरीफ की आयतें पढ़कर दम करते हैं, दम करना और रुकिया साबित है हदीस शरीफ। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल एक किताब लिखी, किताबुर रुकिया। हुजूर ने बीमारों को किस किस तरह से दम किया है। तो कहते हैं जब कुरान शरीफ की आयत पढ़कर ब्लो करते हैं तो जितनी लाइट और पावर होता है वो बीमारी के बैक्टीरिया पर जाकर जो है मुतवज्जे हो जाता है। और आजकल तो लाइट के जरिए से इलाज होता है, लेजर के जरिए से इलाज होता है। लेजर क्या होता है? एक लाइट ही होती। तो कुरान करीम बेहतरीन बीमारियों का इलाज भी है। उलमा फरमाते हैं कुरान करीम दिल की बीमारियों का भी इलाज है, और कुरान करीम जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। उसके अलावा एक मजीद बात आपको मैं अर्ज करता हूं, कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नूर कहा है, और जितनी आसमानी किताबें हैं तमाम को नूर कहा है। नूर के माने भी लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं। नूर एक खास इस्तिलाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और किताब मुनीर मुनव्वर किताब है, नूरानी किताब आई, जिसके सीने में कुरान महफूज है उसके सीने में तो नूर का खजाना पड़ा हुआ है। इसलिए हाफिज का मर्तबा बड़ा अजीम है, बड़ा ऊंचा है। लेकिन नेमत वालों को कभी कभी अपने पास क्या नेमत है इसकी कदर नहीं होती। ये बड़ा अजीब सरमाया अल्लाह ताला ने ईमान वालों को आता फर। मैं एक सफर में था, वो हमारे यहां हिंदुस्तान में ट्रेन होती है उसके अंदर सफर में वो कोई भी बैठा होता है, इधर कोई बैठा है, इधर मुसलमान बैठा है, गैर मुस्लिम बैठा है। एक तरफ एक हिंदू बैठे थे, एक तरफ एक क्रिश्चियन बैठे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने सवाल किया, जब आपके यहां कुरान शरीफ है? मैंने कहा हमारा नहीं है, कुरान पूरे आलम का है। हमारी भूल ये हो गई कि हमने यूं कह दिया कि कुरान मुसलमानों की किताब है, मुसलमानों पूरे आलम के लिए कुरान हिदायत का सामान है। कुरान पूरे आलम के लिए आए, जो इसे अपनाए जो इसे इख्तियार करे उसके लिए हिदायतनामा और बेहतरीन किताब है। उन्होंने कहा आपके कुरान में अच्छी बातें लिखी है लेकिन 1400 साल पहले वालों के लिए अच्छी, अभी जो एडवांस एज चल रहा है, लेटेस्ट जमाना चल रहा है, उसके अंदर कुरान नहीं चलेगा। मैं
मैंने कहा ठीक है, इसका जवाब तो थोड़ी देर के बाद अर्ज करता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, हिंदू भाई से मैंने पूछा कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बड़ी किताबें हैं। मैंने कहा आपको महाभारत पूरी याद है? कहा वो तो पॉसिबल नहीं, पूरी याद करना तो पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा आपकी कम्युनिटी में जो बड़े बड़े धर्म गुरु है, संत ऋषि मुनि है, इनको शायद याद हो। उन्होंने कहा कि इनको भी श्रलोक याद है, लेकिन पूरी बुक इनको भी याद है। क्रिश्चियन साहब बैठे थे, उनसे मैंने कहा कि आप क्या पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मैं बाइबल का मुताला करता हूं। मैंने कहा आपको बाइबल लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड याद है? उन्होंने कहा नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। चंद डायलॉग्स किया। मैंने कहा अब 1400 साल पुरानी कुराने करीम जो हमारी किताब है, इससे आपकी किताबें ज्यादा पुरानी हैं। उनके दावे के मुताबिक कोई कहता है 3000 साल पुरानी है रामायण, कोई कहता है 4000 साल पुरानी है रामायण महाभारत। तो मैंने कहा वो तो ज्यादा बोसीदा और बेकार होनी चाहिए, जब 1400 साल वाली नहीं चली तो 4000 वाली क्या काम की है इस जमाने में, ये बताइए। फिर मैंने उनसे एक सवाल और किया, आपको मैंने पूछा कि आपका कोई ग्रंथ आपको याद है? तो आपने कहा याद नहीं। आपको पूछा, आपने भी ना कहा याद नहीं। हमारे यहां आलम यह है कि हमारी जो बुक यानी कुरान करीम है, ये 6 ईयर्स ओल्ड बच्चे को भी लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड याद है। कहते हैं अच्छा ऐसा है? मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा है। और ऐसे मौके पे इजहार करना चाहिए हकीकत का। तो मैंने कहा मैं खुद पूरे कुरान करीम का हाफिज हूं, जहां से पुस्तक शुरू होती है जहां खत्म होती है वहां तक का मैं हाफिज हूं। उसको हाफिज कहते हैं जिसने मेमोराइज किया है होल कुरान। कहते हैं इतने ये याद करने वाले लोग कितने होंगे? मैंने उनको कहा कि मिलियंस की तादाद में लोग हैं जिनको कुरान शरीफ याद, 60 ईयर्स 70 ईयर्स वाले को भी याद है, 60 ईयर्स वाले को भी याद है। मैंने कहा आपकी किताब क्यों याद नहीं होती और कुरान क्यों याद होता है, ये जवाब मुझे आप दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं आप ही इसका भी रिप्लाई दीजिए। मैंने उनसे कहा कि जिस किताब को अल्लाह चलाना चाहते हैं दुनिया में, उसको जबान पर चलाते हैं और दिल में भी उतार, उसको याद भी करा देते हैं इस बिना पर कि उसको दुनिया में चलना है। आज दुनिया में लाखों की तादाद में हाफिज हैं इस बिना पर कि दुनिया को इतनी बड़ी तादाद में कुरान पढ़ने वालों की जरूरत। ये बात लंबी हो जाएगी, आपको लंबी बात सुनने की आदत नहीं, मुझे लंबी बात करने की आदत। अब बात मेरी यह है, उससे पहले एक छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आते रहते थे, मुख्तलिफ बीमारियां मुख्तलिफ इलाज।
उलमा के पास जाना चाहिए, बापू चाकू के पास नहीं जाना चाहिए। अल्लाह वालों के पास जाओ, उनकी दुआ से काम बनते हैं, उनके मशवरों से काम बनते हैं। अहलुल्लाह के पास जाओ ना, उलमा को अल्लाह ने कुरान और हदीस की रोशनी वाया। उसने कहा हजरत मेरे घर में जरा कुछ असर है। क्या असर है? तो कहा जरा बुरा असर है, जरा आपको तशरीफ लाना पड़ेगा। ठीक है आऊंगा, मेरे वालिद साहब ना नहीं कहते। हजरत मौलाना सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह को उनके घर साइकिल पर एक आदमी बुलाने आया कि हमारे गांव में तकरीर करने चलिए। साइकिल लेके आया था, हजरत पीछे बैठ गए और बयान में गए और रास्ते में वो गिर गया और हजरत को भी गिरा दिया। फिर हजरत खड़े हुए और उसको कुछ नहीं कहा, फिर दोबारा बैठ गए और गांव में जाके बयान किया। हमारे अल्लाह वालों ने बड़ी मेहनत की है तब जाकर के ये दीन की रोशनियां नजर आ रही हैं। तुमने क्या देखा है काम के अलावा? ये अल्लाह वालों ने जो मेहनतें की हैं, जो कुर्बानियां दी हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। उसकी वजह से हमारी नस्लों में दीन है। अब जब वहां गए तो उनके घर के साथ माइक लगा हुआ था, हमारे यहां तो किसी भी जगह माइक लगा दी। और माइक में अजान की आवाज आ रही है तो मेरे वालिद साहब ने पूछा कि ये अजान की आवाज कितनी मरतबा आती है? कहा पांचों मरतबा। आप नमाज पढ़ने जाते हैं? तो कहा मूड बनता है तो जाता हूं। मेरा मूड जरा अच्छा होता है तो चला जाता हूं, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह। मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि हदीस शरीफ में है कि जब अजान होती है तो शैतान भाग जाता है। पांच वक्त तेरे घर में अजान हो तो शैतान रहेगा? कोई खराब असर रहेगा? नहीं रह सकता। तू नमाज का पाबंद, नमाज से तेरे मसाइल अल्लाह ताला हल कर। अर्ज ये करना है कि जब अजान में अल्लाह ताला ने ये ताकत और ये कुव्वत रखी है कि शैतान को भगा देता है, तो कुरान जिस घर में पढ़ा जाएगा वहां शैतान रहेगा? ये हमने जो सांपों के बड़े पेटारे घर के अंदर रखे हैं इसको निकालना है। ये शयातीन को दावत देने वाले हैं और ऊपर का वो डिश एंटीना जो है ना, वो शैतान का बिस्तर है। वहां से ही सब बुराइयां सप्लाई होती है। आज हमारे घर खराब हो गए, घरों में वहशत है, दहशत है, घबराहट है। मौसा घेमा जाम तो मैंने कहीं कहीं खाए, मैंने इनके ना ही जाम। घर में कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कहना मुकेला से बरकत माटे। कब पढ़ते हैं? तो कह रमजान आवे तो जरा इन्हें अगरबत्ती कर इन्हें पाछों मुकी दे। दुकान में जाना हुआ तो वो ऊपर मचान के ऊपर एक आदमी यूं यूं कर रहा था। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है? तो कहा कुरान शरीफ को जरा अगरबत्ती कर रहा हूं। मैंने कहा पढ़ते नहीं इसको कभी? तो कहा नहीं ना की दिलो सर सेठे का खाली बरकत माटे अगरबत्ती धुमाड़ो करवानो ने मुकी राखवाने दुकान के अंदर बरकत थया करे। कुरान करीम आया है तिलावत के मकसद से, अमल के मकसद से, जिंदगी में उतारने के मकसद से उसको हमने ये करके रख दिया। हम लोग घर में बहुत अदब करते हैं, कुरान शरीफ का बहुत अदब है उम्मत के अंदर। किसी उम्मत के अंदर अल्लाह की किताब का इतना जो है अजमत नहीं है जितनी मुसलमानों की है। बुखारी शरीफ नीचे रखेंगे, मुस्लिम शरीफ नीचे रखेंगे, अबू दाऊद शरीफ भी नीचे रखेंगे, फजाइले आमाल सबसे ऊपर कुरान शरीफ रखेंगे। अब गिलाफ भी ऐसा आप टाइप करेंगे कि एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक खुल ही न सके।
और ऊपर भी इतना रखेंगे तो सीढ़ी लेकर चढ़ना पड़े और उतरना पड़े, तो एक रमजान में चढ़ता है, दूसरी रमजान में उतरता है। दोस्तों हम लोग माएं बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह घरों में कुरान पढ़ती हैं। अब आया है कुरान करीम की प्रैक्टिस का जमाना। तय कर लो कि हमारे दिल को वैरान नहीं रखेंगे, याद करो कुरान करीम की कम से कम रमजान और मुबारक से पहले तैयारी कर लो और 20 सूरतें कुरान शरीफ की छोटी छोटी याद करो ताकि तहज्जुद के अंदर पढ़ी जा सके, नमाज के अंदर तिलावत किया जा सके, वरना नमाज में क्या पढ़ोगे कुछ याद नहीं है। 20 सूरतें याद करो। एक सहाबी आए, हुजूर मुझे कुरान शरीफ याद कराइए, तो सरकार ने फरमाया जिन सूरतों के शुरू में अलिफ लाम मीम है वो याद करो। उसने कहा ये तो डिफिकल्ट काम है, ये तो लंबी लंबी सूरतें और मेरी उम्र बहुत हो गई है, मेरे को क्या याद होने का है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन सूरतों के शुरू में हामीम लिखा है वो याद करो। कहा ये भी मुश्किल है, मेरे से नहीं याद हो गया। क्या बोल लंबी सूरत आटली कहीं याद था मैंने हूं ढो मना नहीं याद था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ याद कराई, थोड़ी देर में उसको याद हो गई। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ अथ्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। जब यह सूरत याद करके वो लौटा तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामूली आदमी था लेकिन काम का बन गया कुरान याद करके। तो कुरान करीम पढ़ने की चीज है, तिलावत करने की चीज है। सरकार का रमजान में तिलावत का मामूल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। कल मैंने अर्ज किया था कि जो चार काम सरकार रमजान और मुबारक में किया करते थे उनमें से एक अजीम काम तिलावत कुरान। हजरत मौलाना इस्माइल बदात साहब रहमतुल्ला अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते थे, हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्ला अलैह के मुजास थे। मैंने उनको मस्जिद नबी में दीवाना वार दौड़ते हुए देखा। अपनी जगह पे जाके बैठ गए, कुरान शरीफ खोला, तिलावत शुरू की। खुद्दाम से पूछा कि इनका क्या मामूल है, जवाब दिया 12 घंटे में एक कुरान शरीफ खत्म करते हैं, 24 घंटे में 2 कुरान करीम पढ़ते हैं। हमारे गुजरात में एक गांव है कौसाड़ी, अल्लाह वालों के कदम जहां पड़ते हैं वो जगह बड़ी कीमती हो जाती है। www.atabligh.com। इस गांव में हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह आए, रात को कयाम किया और तहज्जुद अदा फरमाई और जिक्र फरमाया। तो हमारे हजरत शाह गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जितनी दीवारें हैं उसके अंदर जिक्र के अनवार मुझे दिख रहे, नजर आ रहे हैं कि इसमें जिक्र हुआ है और ये सामने वाली दीवार में नहीं आ रहा है जिक्र का नूर। लोगों ने कहा कि आप पक्षी बना ली थी, हजरत आवते पक्षी बना, ये बाद में बनी है, गुजराती तो समझते होंगे, ये बाद में बनी हजरत के तशरीफ लाने के बाद। उससे पहले की दीवारें थी तो उसमें जो अनवार थे, भाई अनवार होते हैं, अल्लाह वालों के अनवार होते हैं, उनका घर में आना अनवार से खाली नहीं। तो हर उसका रहा था
कि वो कौसाड़ी गांव में एक हाफिज साहब से मुलाकात, बयान के लिए हाजिरी होती रहती है, बड़े उलमा है वहां, इदारे चल रहे हैं, अभी निस्वानी मदरसा चल रहा है, उसके अंदर खत्म बुखारी शरीफ हुई, उसमें भी हाजिरी हुई, दो लड़कियों ने बुखारी शरीफ खत्म की और इबारत भी निहायत सही पड़ी। वो हाफिज साहब मस्जिद में तिलावत कर रहे थे, हमने पूछा, जरा मजदूर भी थे, कि आप क्या करते हैं? तो कहा मैं तिजारत करता हूं, बिजनेस करता हूं। अच्छी बात, और आप तिलावत भी करते हैं तो तिलावत का क्या मामूल है? फरमाया बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप पूछते हैं तो बताता हूं। मैंने कहा बतलाइए, जरूर बतलाइए। उन्होंने कहा रोजाना 24 घंटे में एक कुरान शरीफ मुकम्मल करने का मामूल है। तो मैंने पूछा कि अब तक कितने कुरान शरीफ खत्म किए? जवाब दिया 5,500 कुरान करीम जमा हो चुके हैं। तो अजीजो, रमजानुल मुबारक में सरकार की तिलावत बढ़ जाती थी, और कुरान नूरानी किताब है, जहां पढ़ा जाएगा वहां नूर ही नूर हो जाएगा। तौरात को भी नूर कहा अल्लाह ताला ने, नांजलना तौरात फीहा हुदन व नूर। अल्लाह ताला कुरान के अनवार से हमें मुशर्रफ फरमाए, जो नेमतें हमारे पास हैं उसकी कदरदानी हमें अल्लाह ताला नसीब फरमाए। ये हफ्फाज जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके सीनों को ले लिया और लेकर अल्लाह ताला ने उसके अंदर अपनी किताब को रख दिया और कुरान करीम इनको अता फरमा दिया, बहुत बड़ी नेमत से माला माल कर दिया। और फरमाया जिस दिल में कुरान करीम होगा अल्लाह उसको अजाब नहीं दे। हदीस शरीफ, जिसने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया, याद किया, और याद करने के बाद कुरान करीम के मुकाबले में दुनिया की किसी डिग्री को बड़ा समझा, उसने कुरान की तौहीन की। तो कुरान की दूसरे हजरात इज्जत करेंगे, हाफिज कुरान की दूसरे हजरात इज्जत करेंगे, लेकिन खुद हाफिज कुरान को अपनी वजा कता, अपना लिबास शरई रखना, और जो नेमत मिली है उसको बचा के रखना, उसकी तिलावत करना, उसकी खिदमत करना बेहतरीन मशगला और बेहतरीन अमल। हदीस निहायत वाजे है इस सिलसिले में। सरकार ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम सीखे और सीखने के बाद इसी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे। जिंदगी भर कुरान के, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान साहब हजरत मूसा इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने से पहले मदीना मुनव्वरा भेजा और फरमाया दारुल कुरान खोलो। उन्होंने जाके मदरसा शुरू किया और अंसारियों को कुरान करीम के जरिए से दीन की दावत देना शुरू किया। नौजवानों सुनो कि मूसा इब्ने उमैर नौजवान थे, अल्लाह के रसूल ने दीन की दावत के लिए, कुरान की तबलीग के लिए उनको मुंतखब फरमाया। जवानों, कुरान की तबलीग के लिए और दीन की तशरीह के लिए तैयार हो जाओ और कुरान करीम से इश्क रखो, मोहब्बत रखो, इसकी तिलावत का शगफ रखो। सरकार का रमजान में तिलावत, हालांकि आप पर उतरा है कुरान,
रातों को छह पारे एक एक रकात में सरकार पढ़ते हैं, उसके बावजूद रमजान में तिलावत बढ़ती होगी तो किस कदर बढ़ती होगी अंदाजा लगाइए। कुरान नूर है, नूर। अब नूर की दलील देनी है कि ये वाकई नूर है, लेकिन ये वक्त खत्म हो गया आज का। कल इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में हजरतुल इमाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने फजाइल कुरान करीम में हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबरदस्त रिवायत इस सिलसिले में दलील के तौर पर पेश की है, वो कल इंशाअल्लाह अगर जिंदगियां बाकी है तो अर्ज करेंगे। वैसे भी हजरत के सामने बोलने से मैं डरता हूं, लेकिन बिठाया भी हजरत नहीं है और इम्तिहान भी ले रहे हैं। अब देखें किस हद तक मैं पास होता हूं और कामयाब होता हूं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की तवज्जो से जो कहा जा रहा है वो सही फरमाए और लग्जिशों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। लग्जिश हो जाए तो हजरत इस्लाह फरमाए और दुरुस्त फरमाए। बड़ों का बैठना इसलिए नहीं होता कि उनको सुनना, उन्होंने सब सुना दिया पूरे आलम को, पूरे कई साल से बाकी में सुना रहे हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की कदर भी कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मजीद कदरदानी करना इम्मा की, और हजरत तो बहुत ऊंचे मर्तबे के इंसान है, तो अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इनका सुनना छोटों की पुश्त पनाही के लिए होता है, ये पुश्त पनाही फरमा रहे हैं कि तशरीफ फरमाए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आज की बात इसी पर खत्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह जिंदगियां बाकी है तो ये वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु वलकल मुल्कु कुल्लु वलकल शुक्रु कुल्लु वइलैक यरजुल अम्रु कुल्लु अलानियतुहु वसिर्रु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم عيننا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ اس مہینے کی قدردانی نصیب فرما اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ قبول فرما اے الہ العالمین جو داد و دہیش کرنے والے ہیں ان کے داد و دہیش کو قبول فرما اے اللہ تلاوت قرآن کرنے کو قبول فرما مزید ہمتیں توفیق عطا فرما اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے مالا مال فرما قرآن کریم ایک نعمت عظمہ ہے اس کا احساس عطا فرما حفاظ کے سینوں میں قرآن کریم کو جاگزین فرما ان کے لیے سننا سنانا آسان فرما اور اللہ ہمیں بھی کھڑے رہ کر ان کے پیچھے سننے کی سعادت سے مالا مال فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین